एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको ये वाली कैप बनाना बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसकी मैचिंग की हमने एक फ्रॉक बनाई है, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखें, बहुत प्यारी सी फ्रॉक है। तो आज हमने एक कैप भी बना ली है। कैप हमने 4 साल की लड़की के लिए बनाई है, 4 से 5 साल की लड़की की आराम से आ जाएगी। अगर आपको इससे छोटा या इससे बड़ा साइज बनाना है तो इसी वीडियो में हम आके आपको दिखा देंगे कैसे आपको कहाँ पर जाके फंदे बढ़ाने होंगे, और सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। कितना भी बड़ा साइज बनाए सेम तरीके से आपको फंदे सेम तरीके से रखने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में रखे हैं, सेम वैसे ही रखना है। बस आपको ये गोल गोल जो राउंड दिख रहे हैं ना, इसको आपको बड़ा करना है। छोटा बनाना है तो इसको छोटा करके और उसके बाद आपको कैप का शेप दे देना है, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो ये राउंड जो है बड़ा करके और फिर उसके बाद आपको कैप का शेप देना है। तो आगे वीडियो में आपको बता देंगे। तो फिलहाल तो हमने 4 साल की लड़की के लिए बनाया है फ्रॉक की मैचिंग का। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको फ्रॉक दिखा दें, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तो देखिए हमने वाली फ्रॉक बनाई है, इसकी मैचिंग की हमने एक कैप बनाई है, बहुत प्यारी सी कैप है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और 3 प्लाई की ऊन है हमारे पास, ठीक है। अब हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग क्या करना है, फंदे को बड़ा करना है थोड़ा सा बस। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बना के इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने, वापस इसी जगह बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे हमारे पास, और चेन को काउंट कर लिया तो 3 हो गई, और ये 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास, और ये लास्ट 10 हमें डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद हमें इस रिंग को बंद करना है और स्टार्टिंग वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करना है इस तरीके से। देखिए हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, उसमें डाल के हमने इसको ज्वाइन कर लिया। तो अगर आपको साइज छोटा रखना है तब भी आपको 10 डबल क्रोशेट बनाना है, अगर आपको बड़ा रखना है साइज तब भी आपको 10 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 3 चेन लेकर, अब देखिए 3 चेन ले ली हमने, अब इसमें बीच में एक बनाएंगे डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो 2-2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। अब जो एक ये वाली है दिख रही है आपको, इसको इस तरीके से फ्रंट साइड से डालकर हमें बनाना है, फिर एक बीच में बनाना है सादा, फिर एक इस फंदे को इस तरीके से उठा के बनाना है इस तरीके से, फिर एक हमें इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाना है, इसके बीच में सादा डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमने 10 बनाई थी ना इसको हमें उठा के इस तरीके से क्रोशिया डालना है। फ्रंट साइड से हम इस तरीके से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2-2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशेट कहते हैं या फिर डबल क्रोशिया कहते हैं। तो एक हमें बीच में डाल के बनाना है और जो हमने 10 बनाई है उसको हमें इस तरीके से उठा के बनाना है। तो जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा इस तरीके से हमें सारे फंदे बनाने हैं, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, जितनी भी हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई थी तो उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 देखिए 10 हमने बना ली। अब देखिए लास्ट वाले में हमने 3 चेन बनाई थी, बट हमें इस फंदे को उठा के बनाना है तो इसको इस तरीके से हम डालेंगे इसके अंदर डालकर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट लास्ट के 2 फंदे हमने रहने दिए। अब जो हमने 3 चेन बनाई थी ना इसमें डालकर इस तरीके से, अब इसको इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है, इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेकर, अब देखिए एक इसके अंदर बनाएंगे हम, देखिए एक इसके अंदर बनाना है और जो फंदा हमने अभी बनाया था इसको उठा के बनाएंगे, बट बैक साइड से डालकर बनाएंगे। देखिए देखिए इस तरीके से बनाएंगे। अभी हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हैं, इस रो में भी हमें एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमारे पास
30 हो जाएंगे। देखिए इस वाले फंदे को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अब जिस फंदे को हमने आगे से उठा के बनाया है फ्रंट साइड से, उसको वैसे इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए जो फंदा हमने फ्रंट साइड से आगे के साइड से उठा के बनाया है, इसको हमें हर रो में ऐसे ही बनाना है और बीच में फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया और एक फंदा हमारा पहले का है, तो इसको हम बैक साइड से क्रोशिया डालकर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से जो फंदा उठा के बनाया था आगे के साइड से, उसको ऐसे ही बनाना है। और फिर से देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ाना है, एक हमने बढ़ा लिया और एक इसको इस तरीके से बैक साइड से बनाएंगे, पीछे के साइड से क्रोशिया डालकर यहाँ पर बनाएंगे हम। और फ्रंट वाला फंदा वैसे ही बनाएंगे, तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं। तो देखिए हमारे पास अब 30 फंदे हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 10 फंदे लिए थे, फिर सेकंड रो में हमने 10 फंदे बढ़ा लिए थे तो 20 हो गए। अब तीसरी रो में 10 फंदे फिर से हमारे बढ़ गए, तो ये 30 फंदे हो गए हैं। बट हमने जो 10 फंदे फ्रंट साइड से बनाए हैं उसको वैसे ही बनाना है हमें हर रो में। अब स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन बनाई थी, तो इसमें फिर से देखिए हमें इस वाले फंदे को उठा के बनाएंगे, इस तरीके से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बट लास्ट के दो फंदे हमें रहने देना है। देखिए दो फंदे रहने दिए, अब इसमें डाल के जो 3 चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, तो 30 फंदे अब हमारे पास हो गए। अब चौथी रो है, इसमें भी हमें एक एक फंदा बढ़ाना है, तो हमारे पास 40 फंदे हो जाएंगे। हर रो में हमारे पास 10-10 फंदे बढ़ने हैं। ठीक है, फंदे बढ़ाने कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है। ठीक है, 3 चेन बना के यहाँ पर इस वाली जगह में डालकर सादा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। और जो दो फंदे आपको ये दिख रहे हैं, इसको हमें बैक साइड से बनाना है। तो अभी दो फंदे हैं, अब हमने एक फंदा बढ़ा लिया तो 3 फंदे हो जाएंगे हमारे पास। देखिए 2 और ये 3, 3 फंदे हो गए। देखिए बैक साइड से हमें बनाना है और जो फंदा हमने फ्रंट साइड से बनाया उसको वैसे ही बनाना है। इस फंदे को आगे से क्रोशिया डालकर बनाना है। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर दो फंदे हैं, तो एक फंदा यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे और बाकी दो फंदे जो दिख रहे हैं आपको, इसको बैक साइड से इस तरीके से बनाना है। देखिए 2 हो गए और ये लास्ट 3, 3 के बाद जो चौथा फंदा आगे के साइड से हमने बनाया है, इसको सेम तरीके से फिर से बनाना है, इस तरीके से उठाकर बनाएंगे। तो इस रो में हमारे पास 3-3 फंदों के बाद ये वाला फंदा आएगा। देखिए 1, 2 और ये 3, 3 के बाद फिर से जो फंदा हमने आगे के साइड से उठा के बनाया है इसको हमें बनाना है। तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं आगे क्या करना है। हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर हमारे पास 3-3 फंदे हो गए। अब फिर से देखिए ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करते समय सेम रिपीट करें आप, इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो हमने 3 चेन बनाई है यहाँ पर डालकर इसको ज्वाइन करेंगे। अब हमारे पास 40 फंदे हो चुके हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब जो 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो 4 कैसे होना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बढ़ाएंगे, हमारा एक फंदा बढ़ गया, दूसरा फंदा इस तरीके से जो आपको दिखेगा बैक साइड से बनाना है, तीसरे फंदे को भी हमें बैक साइड से बनाना है। ठीक है, 2 फंदे हो गए, तीसरे फंदे को हम बैक साइड से बनाएंगे, तो 3 हो जाएंगे देखिए, और चौथे फंदे को भी हमें बैक साइड से बनाना है। ठीक है, तो एक फंदा हमें स्टार्टिंग में ही बढ़ाना है, जैसे कि ये वाला जो फंदा आपको देख रहा है फ्रंट साइड से जो हम बना रहे हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। हर रो में इसी तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है, यहाँ पर बढ़ाएंगे और बाकी जो 3 फंदे आपको दिखेंगे उसको बैक साइड से बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है जो हमने 10 फंदे
आगे के साइड से फ्रंट साइड से उठा के बनाए हैं, उसको सेम वैसे ही बनाने हैं। बाकी हमें बीच बीच में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो इस रो को हम कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाते हैं। तो इस तरीके से बना लिया हमने। देखिए 10 फंदे हमने जो उठा के बनाए हैं वो इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो इस रो में हमारे पास बीच में चार चार फंदे हैं। अब इस रो में हमारे पास पांच पांच फंदे हो जाएंगे। तो सेम तरीके से फिर से बनाना है। पहले तीन चेन बनानी है हमें। तो यहाँ पर तीन चेन बना ली। तीन चेन बनाने के बाद देखिए चार फंदे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे और उसके बाद जो चार फंदे आपको दिखेंगे उसको बैक साइड से एक एक करके बनाना है। देखिए एक हो गया हमारे पास, दो हो जाएंगे। ठीक है, दो हो गए, तीन तीन हो गए, चौथे फंदे को भी हम इस तरीके से बनाएंगे। लास्ट पांच, पांच फंदे हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है, पांच फंदे हो गए। अब हम फिर से जो फंदा आपको आगे के साइड से देखेगा उसको फिर से हमें इस तरीके से बनाना है। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसके अगली रो में हमारे पास छः फंदे हो जाएंगे। बीच में अभी हमारे पास पांच फंदे हो रहे हैं। देखिए चार फंदे जो दिख रहे हैं और एक फंदा हमें बढ़ाना है। इसके अगली रो में हमारे पास छः फंदे हो जाएंगे, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ। इस तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है। अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो आप 12 तक रखें, अगर आपको छोटा साइज बनाना है तो आप 8 तक रखें, और अगर आपको जिस हिसाब से आपको बनाना है, जिस साइज का बनाना, फंदे कम बढ़ कर सकते हैं। तो अब हम इसी तरीके से इस रो को हमने कंप्लीट करना है, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। अभी हमारे पास बीच में पांच पांच फंदे थे, तो हम बनाते बनाते अब हमारे पास 10 फंदे हैं। अभी हम आपको काउंट करके दिखा देंगे, इतना हमने बना लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम आपको फंदे काउंट करके दिखा दें। देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 फंदे हैं। देखिए पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 फंदे हैं। अब हमारे पास 10 फंदे हो जाएंगे। देखिए तो जो फंदा आपको आगे के साइड से दिखेगा उसको इस तरीके से क्रोशिया डालकर बनाना है। उसके बाद एक फंदा हम स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे यहाँ पर, और बाकी जो 9 फंदे आपको दिखेंगे उसको बैक साइड से एक एक करके बनाना है इस तरीके से। देखिए 2 फंदे हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, और ये 3 तीन हो गए, 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 10। ठीक है, 10 फंदे हमने यहाँ पर बना लिए। अब फिर से स्टार्टिंग में जो फंदा आपको दिखेगा इसको फिर से हमें ज्वाइन करना है इस तरीके से जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे। तो हमारे पास 10 तक हमने फंदे बढ़ाए हैं, अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब हमें 10 तक ही फंदे रखने हैं। ठीक है, तो कैसे बनाना है, 1 2 3, तीन चेन ले ली। अब जो आपको 10 फंदे दिखेंगे को सबको हमें बैक साइड से ही बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 10 फंदे हैं, एक एक करके हमें सारे फंदे बनाने हैं, हमें फंदा यहाँ पर बढ़ाना नहीं है। तो एक फंदा हमारे पास हो गया, 2 3 4 5 6। तो जितने फंदे हैं सारे फंदे हम एक करके बनाएंगे। देखिए हमने 10 फंदे यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब जो फंदा आगे से हमने बनाया है, आगे के साइड से क्रोशिया डाल के बनाया है, उसको वैसे ही बनाना है। ठीक है, फिर से अब जो 10 फंदे हैं 10 को
एक एक करके बनाना है। इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो एक दो दस जो हमने फंदे बनाए हैं उसकी दूसरी रो चल रही है, हमें टोटल पांच रो बनानी है। तो तीन रो और बना के पांच रो तक हम कर लेंगे, फिर आगे दिखाते हैं। तो दूसरी रो चल रही है, तीन रो और बना ली, टोटल हमने पांच रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ से फंदा बढ़ाया है, दस के बाद हमने फंदा नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो चार पाँच 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 रो हमने यहाँ से बना ली हैं। देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, देखिए यहाँ से हम आपको काउंट करके दिखाएं, यहाँ से फंदा बढ़ाते हुए लेकर आए हैं और पांच रो में हमने दस दस फंदे रखे हैं। तो यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे, ठीक है। यहाँ से एक रो हो गई हमारी, एक हो गई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, दस फंदों की एक रो हो गई, दो दो रो है हमारे पास, यहाँ इसमें भी दस फंदे हैं। और ये तीसरी रो है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और चौथी रो में भी दस फंदे हैं और पांचवी में भी, ठीक है। तो पांच रो तक हमने फंदे एक से रखे हैं, दस दस की बनाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें फंदा कम करना है, तो एक फंदे को हम बैक साइड से बनाएंगे इस तरीके से, डबल क्रोशे बनाना है। अब दो फंदों का एक करके हमें इस तरीके से बनाना है, दो फंदे हैं दोनों को एक साथ इस तरीके से करेंगे और दो का एक कर लिया, ठीक है। फिर से एक फंदा हमें बनाना है बैक साइड से और फिर ये दो का एक करना है, तो एक एक फंदा हमें कम करना है। फिर से देखिए इसमें एक करना है, देखिए यहाँ पर एक करना है हमें फंदा और एक में इसमें दो फंदों का एक करना है, देखिए। फिर एक फंदा बनाना है, फिर ये दो का हमें एक करना है, तो यहाँ पर एक एक फंदा कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो बनानी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे, एक में एक बनाएंगे, फिर एक के बाद हमें दो का एक करना है, तो एक एक फंदा हमें कम करना है। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आगे दिखाएंगे आपको आगे क्या करना है। ने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर जब आप फंदा घटा देंगे तो आपको ये गोलाई दिखने लगेगी, कैप की गोलाई आ जाएगी। अब हमें बॉर्डर बनाना है, जैसा हम लोग स्वेटर में बॉर्डर बनाते हैं ना, एक फंदा फ्रंट साइड से बनाते हैं एक फंदा बैक साइड से बनाते हैं, उसी तरीके से हमें बनाना है। तो स्टार्टिंग में थ्री चेन बनानी है। अब एक फंदे को हम बैक साइड से इस तरीके से क्रोशिया डालकर और डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए। अब एक फंदे को हम फ्रंट साइड से इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे। फिर से एक फंदे को हम बैक साइड से बनाएंगे। अब एक फंदे को फ्रंट साइड से बनाएंगे, एक फंदे को आगे से क्रोशिया डाल के बनाना है, एक फंदे को ये पीछे के साइड से डाल के बनाना है, देखिए। रो को हमें ऐसे ही बनाना है, एक फंदे को आगे की साइड से क्रोशिया डाल के बनाएंगे, एक फंदे को पीछे के साइड से डाल के बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में हमें जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे सेम वैसे ही ज्वाइन करना है, इसमें डाल के दो फंदों का एक करा और यहाँ पर सारे फंदे ज्वाइन कर लिए, ठीक है। जैसे हम ज्वाइन कर रहे थे फंदे वैसे ही ज्वाइन करना है। फिर से तीन चेन लेनी है हमें और तीन, अब जो फंदा जैसे दिखेगा उसको वैसे बनाना है, देखिए। जो फंदा पीछे के साइड से दिखेगा उसको पीछे के साइड से इस तरीके से क्रोशिया डाल के बनाएंगे। अब जो फंदा आगे के साइड से दिखेगा उसको आगे के साइड से बनाएंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डालेंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फंदा जैसे दिखेगा उसको हमें वैसे ही बनाना है।
एकदम सिंपल है। देखिए जो फंदा आगे की साइड से दिख रहा है उसको ऐसे ही बनाना है, जो फंदा पीछे की साइड से दिख रहा है उसको पीछे की साइड से बनाना है। यहाँ पर जैसे जो फंदा जैसे दिखेगा उसको हमें वैसे ही बनाना है। अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, हमें टोटल 6 रो बनानी है। 4 रो और बनाने के बाद दिखाते हैं। तो हमने इतना बॉर्डर बनाया है, टोटल 6 रो का बॉर्डर बनाया है। उनको कट करेंगे अब हम। देखिए इस ऊन को हम कट करेंगे, कट करने के बाद अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने बॉर्डर पर टोटल 6 रो बनाई है। देखिए यहाँ से काउंट करके दिखाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 रो की 6 रो का हमने बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो 7 8 रो भी बना सकते हैं अगर आपका साइज बड़ा है तो। तो हमारा जो साइज है 4 से 5 साल की लड़की के लिए है, तो ये साइज 5 साल तक के बच्चे के आराम से आने वाला है। अब हम ये वाला जो हमने फूल बनाया है इसको अटैच करेंगे। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, जाके देखें। तो किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं अभी आगे हम आपको बता देंगे। तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी कैप बन गई है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको बता दें कि अगर किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो देखिए क्या, कोई भी वीडियो चल रहा है ना तो उसके साइड में आप जब देखेंगे तो एक बटन दिखेगा। देखिए साइड में आपको ये छोटा सा जो बटन दिखेगा इसको आप जब खोलेंगे, टच करेंगे, तो जो बॉक्स खुलेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको और वीडियो मिल जाएंगी, फूल का वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाएं। देखिए ऑल बनाए, इसको टच किया, चैनल पे जाके फिर वीडियो में ऊपर वीडियो दिख रहा है, इसमें जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के लास्ट में जाएंगे तब भी मिल जाएगी। देखिए जब आप इस वीडियो को लास्ट में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको और वीडियो मिलेंगी इसमें भी आपको ये फूल वाला वीडियो मिल जाएगा, जाके देखें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।